I'm
सारे जिन्हें भी कमाल आ बाकी दे रहते हैं सो सारे अगे बेनती है ये कि जिन्हें भी कमाल आ प्लीज बेनती है ये तुम अगे तो जो भी दरबार के वालों सदा पत्र जाता है सो सारे बेनती है कि सारे जने कमाल सदा पत्र दिते दे ही पहुंचा कर और साढ़े बिच बहुत ही सत्कार योग बहुत ईमान योग सो मनजीत साबरी जी दरबार के आए ने जी आया और नाल दी नाल बहुत ही सत्कार योग बहुत ईमान योग शौकत अली साबरी जी वो भी दरबार के बीच पहुंचे ने उन्होंने भी निघा स्वागत है इतने जिन्हें कदम चल के आए साढ़े राजीव बाबा जी और साढ़े बहुत ही सत्कार योग बाबा बिल्ला जी और बाबा रंगीला जी जी आया नूं और होर भी बहुत सारे वक् वक् डेरिया दरबारा तो बहुत सारे साधु संत महापुरश पहुंचे ने और डॉक्टर परमजीत जी वो भी पहुंचे ने सो जी आया नूं और दो मिनट लई है जी हाजरी है जी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बाबा जी राजी जी वो हाजरी देंगे उस तो बाद साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बहुत ईमान योग बाबा दिलाराम जी दो मिनट लई सिर्फ बाबा राजी जी करम भैया भगवान जी का बोल साचे दरबार की जय जिकारा बाबा जुमेशा सरकार का बोल साचे दरबार की जय साढ़े सरकार जो ये शाही दरबार सत्य रेवता जिते वरसदिया भैया भगवान जी बाबा जुमेशा जी की वरसी से जिन्हें भी संगत आई है सारी संगत नो सुफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े सरकार जो इस दरबार की गद्दी मशीन साढ़े भैया निमो महाराज जी उन्होंने साढ़े वीर शंभू राम जी इन्हों लख लख मुबारक दिने तो मैं बेनती करा साढ़े सुफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन साहब जनाब शौकत अली जी हाँ जी तो उन्होंने प्रधान बाबा मनजीत सावरी जी तो साढ़े सहायक कैशियर भगत चंदन शाह जी कल तो साढ़े डॉक्टर परमजीत जी जनरल सकत्तर तो साढ़े बिल्ला जी तो मैं बेनती करा मान सम्मान सुफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी वालों हाँ जी ठीक है मैं चेयरमैन साहब को बेनती कर रहा हूँ एक मिनट ले आओ जो मान सम्मान अच्छा जी चलो ठीक है जी बधाइया भी दवा दूंगी जो असं तिल फुल लेके आए हैं कबूल करो इस संस्था तो क्योंकि ये मैया परिवार का शाही दरबार जिथे सुफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी का दफ्तर हैड ऑफिस मैं भगत जी ने बेनती करा आज सारी बड़ी मेहरबानी क्योंकि ये साड़ी सुफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी ने बहुत मान दिता साढ़े सरकार जो शंभू वीर जी बड़े जो हेड कैशियर है तो साड़ी मैं इन्हों का कोट कोट धन्यवाद करना कि साड़ी संस्था ने मुख दफ्तर ले जगह दी है मैं मैया भगवान जी ये शाही दरबार का कोट कोट धन्यवाद करना तो बेनती करा
साढ़े वीर शंभू जी उन्होंने के मान सम्मान जो चेयरमैन साहब प्रधान जी साढ़े संस्था वालों वो जरूर लैन बड़ी मेहरबानी। चलो ठीक है सारे कठे हुए हैं तो मैं कोट को धन्यवाद करता वीर शंभू जी का जिन्होंने इस संस्था को मुख दफ्तर लई जगह दी है। एक एक जो सह इन्होंने ऋणी है इन्होंने नाल मैं कोट को धन्यवाद बेनती बाबा शंभू राम जी जो सूफिया नगरगाह प्रबंधक कमेटी जी के मुख कैशियर ने उन्होंने अपनी कमेटी वालों लख लख मुबारकबाद दिना। बाकी आप सबनों पता ही है कि सरकार का बड़ा हाथ है सरकार ने मुसरकार का जिन्हों के उपलाने सदका सूफिया नगरगाह प्रबंधक कमेटी पंजाब के वक् वक् डेरिया दरगाहों के जाके सूफियाना का सूफी का सूफी मत का प्रचार से प्रसार करती है। सो मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया एक छोटा जिहा एक कलाम नाज शरीफ पेश करदा सिर्फ एक सेकंड एक मिनट में क्योंकि सरकार ने इस दास के उत्ते इस तुहाडे सेवादार के उत्ते बड़ी करमनवाजी कीती आ क्योंकि सरकार ने एडा वड्डा काम करके दिखाया 22 साल बाद मेरे मेरे पुत्र की दात मेरे घर के बख्शी उस डेरे वास्ते दरगाह का सेवादार बख्शिया सरकार ने उमो सरकार की इन्नी रहमत हुई है क्योंकि तो पूजण योग ने मस्त ने फकीर ने जो मूहों कहते ने हुंदा। सो मैं बड़ा ऋणी और मैं हमेशा ही इन्हों के चरणों का दास बन के रहागा मैया भगवान का और सरकार निमो सरकार जी का। तो मैं एक नाज शरीफ थोड़ी जी पेश करना खैर मंगी सी मैं मैया कोलो आके खैर मंगी सी मैं मैया कोलो आके हो माने मेरी चोली परती चोली दरते फलाई सी मैं आण के चोली दरते फलाई सी मैं आण के हो मैया ने मेरी चोली परती। सो इन्ना ही शब्दों के नाल मैं सरकारां दा और सरकारां दी संगत दा हमेशा ही सेवादार बन के रहांगा मैं ही कुछ कहिंदा होया खुमां दा जज क्या जिकारा मैया सरकार जी दा आए अंदरों भी सूफी बाहरों भी सूफी जिसने मुर्शिद जी दात पाके उन्हूं नशा नहीं करे या फिरी जावे ढोल वजाउणा सारी संसार फिरी जावे ਉਹ ਖੈਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗ ਤੇ ਡੋਡਾ ਸੁੱਤਰ ਪਾਣ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜੀ ਲੈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੋ ਕੇ ਪੰਗ ਤੇ ਡੋਡਾ ਸੁੱਤਰ ਪਾਣ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਢੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮਾਏ ਸਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਖੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੇ ਰਾਜ ਦਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਵਾਦੀ ਆਈ ਜੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਸਭ ਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜ ਦਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਚ ਜਾਏ ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦਾਦਾ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ
अपना इस संसार के विच नौ खिलार दी कोई भगतां दा रिपालक हुंदा है। मेरे खातर गौ जिंदी ना करी, अपने नाम खातर करी। भगत जना हर मां प्यो बेटा जेड़े सजनों उस खसम दे हो जांदे ने उन्होंने भी होना पैंदा। सानू क्यों डराना सरकार दे कोल होना है। मैं थोड़ा एक दिन पढ़िया आया कि मेरे तक दृष्टि जाए नहीं कि इन्हें मैं गर्भवत भी हुई थी थोड़े चो। मैं क्या अगे भी पार्टी बनाई थी साधा ने कंधी गड़ियाने पीर तुम हूँ मैंने करने पिन्नियों तू सिर रखना कहने सूफी हाँ सी कि बड़ी गल है। सूफी कहना बहुत सूफी का लफाज जिगर जाता सूफी का वह जो हथों पैर उस पेड़ ना लगी है जिथे याद की तक छोड़ कटा। हाँ मुर्शिद से हड़िए जेड़ा दो जा खुशी भावे और अन्य मुर्शिद से जिस कुछ ना की तरह भाग दी लगी दबा वो सरकार मेरी 7500 सफा मैं सरकार का ग्रंथ बना चुका। अज कल युग के बेच 7500 सफा जिते मेरे किसी मालिक का नौ का प्यार का पैंदा उसे मेरा टुट के दिल वो जुड़ जाता पिको वो कुछ होंगे जब अज मैं तुम सूफिया का मिले तुम किन्ने होर कम करते हो इस कम छोड़ बिल्कुल दरबार के तुम कदे सुनिया जो बाणी पढ़ रही हो सब संसार उन्हें नमस्कार करता है। यह उन्होंने महफल है जिन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा। यह फकीर है कि जिन्हें अपने शरीर की परवाह नहीं की जिसने अपने तन की परवाह नहीं की नहीं पा पा धुप पी है जो हों संसार हों उसका नाम मैया बलवान उसका नाम मैं रखा अपनी किताब ओम सर्व व्यापक प्रभु मैया भगवान जी महाराज। मैं थोन सुनना थोड़े जे हैं उन्होंने वास्ते जो श्लोक लिखे ने थोड़े जे मैं थोन दस के जावगा की फकीर क्या चीज है फकीर हूँ क्या चीज है फकीर कहते कहू है जो कूड़े पढ़ के जुल्म कर बेहद तो मरना अजाई मौत दे दुख भोगे उन्होंने जग जो करे इधर उधर सिख के दुनिया ने बर्बाद कर देने उन्होंने परिवारों का जदा का नाश हो जाए। जो इस बंदगी का करता है जो उसकी इबादत करता है कोई दुनिया की ताकत उन्होंने पीछे नहीं सिख सकता। कूड़ा इलम हंकार भरता है रब की बंदगी बंदे अगे ना तोड़ती भाई तेरे पुत मैं तेरे वास्ते खड़ा मैं तेरे वास्ते खड़ा जे तू मैडा हो रहे तो सब जग तेरा खोए। बाबा फरीद साहब यही सुनो मेरी गल सुन जारी बाबा फरीद साहब जी कहते है कहते फरीदा जे तू मेरा हो रहे जे तू मेरा हो गया एकदा तो मैं तेन सारा ही जगत संभालता सारा ही जगत तेरे अगर तेरी ना फकीर इन्हों का बहुत कबर जिन्हें भी जीवे उन्होंने इटन भी दुनिया सलाम करती है जो इबादत चल गया। अगर मैं धनवादी हाँ थोड़ा जे इस मते से चले हो तुम ये संघर्ष बनाया कमेटी बनाई आ दिल आके चला नहीं भुलते पांच चार दिन चली है। असी ना मेरे तीन दरबार है पंजाब कोई भी पंजाब के बिच मेरे दरबार वर्गा पर दरबार नहीं होगा। कोई भी कितने दुनिया के दस्ते से चले जाओ सारी बोल बाणी शब्द अंग अंग रोम रोम मेरे दरबार के लिखा पिया पढ़ा जाते फकीर लोग देखते उत्थे कितने भी पंजाब की धरती चले जाओ कितने नहीं मिलेगा। और लगे आखिर सूफी नाम कह के सूफी को नहीं चाहना है गलत कार्रवाई तो नहीं दसना करना होर तो कुछ करना आप चला जी इस समय असू नाल है तीन दरबार है हर महीने तीन भंडारे होंगे ने सलाने जोड़ मेले लगते हैं बाणी होंगी है प्रचार होंगे बाणी का सरकार की।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਾਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੂ ਕਰੂਗਾ ਕਰੂਗਾ ਤਲ ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪ ਲਈਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਧੂਣੀਆਂ ਧਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਲਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਅਲਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਊੜਾ ਏੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਜਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗੋ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਸ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਚੰਦ ਬੋਲ ਬੇਮਿਸਲ ਨਬੀ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਬੀ,